सब कैसे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो एक ऐसे फेस मास्क के ऊपर है जिससे आप लोग की स्किन रिपेयर होगी, जो डिफरेंट क्रीम्स यूज करके स्किन पतली हो जाती है, वेन्स नजर आनी शुरू हो जाती है, उसको ठीक करेगा, आप लोग की स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोग की स्किन से पिंपल्स को खत्म करेगा। जो पिंपल्स के निशान वगैरह होते हैं और पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं ना, ये उस चीज को भी खत्म करेगा। बहुत आसान, घर में मौजूद आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। चले जी, अब देखते हैं मास्क बनता किस तरह है, फिर हम लगाते हैं और फिर हम वापस आते हैं। चले जी, मास्क बनाना शुरू करते हैं। इस मास्क को हम लोगों ने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है या 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। 3 दफ़ा से ज़्यादा एक हफ्ते में इस मास्क को हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। 1 टीस्पून हमें भर के कोको पाउडर चाहिए, 1/2 टीस्पून हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, 2 हमें स्ट्रॉबेरीज चाहिए, बिल्कुल रेड। हमने स्ट्रॉबेरीज का येलो वाला पार्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, पिंक और रेड वाला पार्ट से तो इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा हमें चाहिए 4 से 5 ड्रॉप वाइटामिन ई ऑयल की। अगर आप लोग कैप्सूल है तो आप कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे वाइटामिन ई ऑयल है 4 से 5 इसके अंदर डाल लें, जिस तरह मर्जी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज का येलो वाला पार्ट काट देना है और बाकी स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह हम लोगों ने मैश कर देना है, ठीक है। ये देखें जी, अब मैंने स्ट्रॉबेरीज का येलो वाला पार्ट उतार दिया और अब इसको मैं फोक की मदद से मैश करूंगी। ये हम लोग मैश कर रहे हैं अच्छी तरह। हाँ जी, स्ट्रॉबेरीज मैश हो गई हैं। स्ट्रॉबेरीज इस मास्क में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्किन को ग्लोई करेंगी, पल्पी करेंगी, फ्रेश करेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर। ये देखें जी, दोनों चीज़ें हम इकट्ठे डाल देंगे और इस स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर के अंदर ही ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा। हमें अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमने अच्छी तरह अब मिक्स कर देना है और स्ट्रॉबेरी के अंदर जो पानी निकला था उसी के साथ ही इसने बड़ी प्यारी सी ना पेस्ट बन जाना है, स्मूथ सी। ये देखें जी, स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। अब इसके अंदर बारी आती है 4 से 5 ड्रॉप्स वाइटामिन ई के डालने के। आप लोग बेशक कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप लोग वाइटामिन ई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली ड्राई सब स्किन के लिए है ये मास्क। उसके बाद छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मास्क है। ये देखें जी, हम लोगों ने ड्रॉप्स डाल दिए वाइटामिन ई ऑयल के, इसको अच्छी तरह दोबारा मिक्स करेंगे और ये मास्क रेडी टू यूज़ है। अच्छा, इस मास्क को हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है। जैसे ये हाफ सूख जाएगा ना, 50-60% सूख जाएगा, हम लोगों ने अपना मुंह धो लेना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई नहीं करना, इसको हल्का हल्का वेट रखना है। 60% ड्राई होगा उसके बाद हम लोगों ने मुंह धो लेना है। चले जी, हम मास्क अप्लाई करते हैं, वॉश करते हैं और फिर वापस आती है। हाँ जी, चले जी, अब मास्क अप्लाई करते हैं। आप लोग ने ये वाला मास्क किसी ब्रश वगैरह के साथ अप्लाई नहीं करना है, आप लोग ने अपनी फिंगर्स की मदद से आराम से मास्क अपने पूरी स्किन पे अप्लाई करना है, गर्दन पे अप्लाई करना है। ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हाथ से सॉफ्टली ना अपनी स्किन पर लगाना है और ये देखें साथ साथ हल्का हल्का रब भी करते रहना है। एक जगह लगाएंगे, हल्का सा रब करें, उसके ऊपर दोबारा लगाएं, मतलब कि ये देखें इस तरह ना रब करते रहना। करो नोजी पे लगा दो। नो, अच्छी नहीं लग रही है? नहीं नहीं अच्छी लग रही? नहीं अच्छी लगी। क्यों, मम्मा तो इतनी प्यारी है, इधर तो आओ। जी बेटा आ जाओ। जी ये देखें जी, ये है मेरा हुसन जो आप लोगों को सुख नज़र नहीं आ रहा। मुँह अच्छी तरह रगड़ के धोया हुआ ना, कोई मेकअप नहीं किया हुआ। इससे स्किन क्या होती है, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, शाइन करती है। जब इसके बाद आप बेस अप्लाई करेंगे, मेकअप अप्लाई करेंगे, बहुत फ्रेश लगेगी स्किन, ठीक है जी। हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मास्क ट्राई करिएगा, 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और मास्क को धोने के बाद आप लोग लोशन लगाना चाहते हैं, लोशन लगा लें। मैं क्या करती हूँ, मास्क को अच्छी तरह साबुन से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद रोज वाटर का स्प्रे कर देती हूँ। आप लोगों ने रोज वाटर स्प्रे करना है, ऑयली स्किन है तो रोज वाटर स्प्रे कर दें, और अगर ड्राई स्किन है आप लोग की तो आप लोग लोशन, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, रब रखा।